सिंहस्थ 2016 उज्जैन। आकाश गंगा के समक्ष कुंभ की इस कहानी का आरंभ कब और क्यों हुआ? शायद पृथ्वी ने अपने अतीत के आंचल में सदियों से इस रहस्य को छुपा रखा है। यूं तो बहुत से साक्ष्य हैं, किंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 12 दिनों तक चलता रहा। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार ये युद्ध 12 वर्षों तक चला। उसी युद्ध में अमृत कलश की खींचातानी के समय जब इंद्र के ज्येष्ठ पुत्र जयंत अमृत को दानवों से बचाकर भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी। हरिद्वार, अलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, पृथ्वी पर चार जगह ये अमृत की बूंदें गिरी और अमृतत्व के कारण पवित्र होकर ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण हो गए। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, तब कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। उन्हीं जगहों में से एक है उज्जैन। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन नाम अनुसार उज्जैनिया या अवंतिका अर्थात वर्तमान नाम अनुसार उज्जैन आध्यात्मिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टि से प्रसिद्ध है। उज्जैन सदियों से ही एक पवित्र व धार्मिक नगर रहा है। लंबे समय तक यहां न्याय के राजा महाराजा विक्रमादित्य का शासन रहा। महाकवि कालिदास, बाण भट्ट की कर्मस्थली, देवज्ञ वराह मिहिर की जन्मभूमि, महर्षि सांदीपनी की तपोभूमि, राजा हरिश्चंद्र की मोक्ष भूमि आदि के रूप में उज्जैन विख्यात है। उज्जैन का वर्णन कई ग्रंथों व पुराणों आदि में हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार पृथ्वी पर क्षिप्रा के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पावन क्षिप्रा नदी में नहाकर काल भैरव को भी ब्रह्म हत्या के दोष से मोक्ष प्राप्त हुआ था। भगवान शिव यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि दक्षिण की तरफ मुख किए महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति स्वयं ही हुई है, जिसके फलस्वरूप इसे स्वयंभू भी कहते हैं। धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना ही एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल महाकाल, शिव की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका तात्पर्य ये है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। वैसे तो उज्जैन में अनेक देवालय हैं, उन्हीं में से काल भैरव के इस मंदिर की अपनी ही विशेषता है। काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, मानो सारे दुख दूर हो गए। काल भैरव को ग्रहों की बाधाओं को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। उज्जैन नगर का महत्व और भी विशेष हो जाता है जब हर 12 वर्षों में सूर्य मेष राशि पर और सिंह पर बृहस्पति आते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ सिंहस्थ पर्व का आयोजन होता है। हजारों सालों की इस आस्था का नाम है कुंभ।
विश्व भर से अनेकानेक लोग सिंहस्थ पर्व में हिस्सा लेने आते हैं। कई अखाड़ों के साधु सन्यासी, हठ योगी परंपरानुसार सिंहस्थ में हिस्सा लेते हैं। इस धार्मिक वातावरण में पेशवाई, कर्तव्य, प्रवचन, यज्ञ, भजन और कीर्तन आदि का आनंद प्राप्त होता है। अखाड़े के वरिष्ठ मठाधीश अपने संघ के साथ स्नान करते हैं। लाखों श्रद्धालु अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु यहाँ पवित्र स्नान करने आते हैं। सिंहस्थ मेले में शाही स्नान का दृश्य अकल्पनीय होता है। मान्यता अनुसार मनुष्य जीवन देने वाले स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ न जाने किस रूप में आपके साथ क्षिप्रा नदी में स्नान कर रहे हो। सिंहस्थ पर्व की अवधि में 10 दुर्लभ संयोग होते हैं, जैसे वैशाख माह मेष राशि पर सूर्य, सिंह पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा आदि। पुराणों की माने तो ग्रह, नक्षत्रों और मनुष्यों के बीच का संबंध बहुत ही आध्यात्मिक है। कुंभ की ये कहानियां कुछ विश्वास, कुछ अंधविश्वास के रूप में विख्यात। जहां एक तरफ श्रद्धा और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर जिज्ञासा। विज्ञान आज भी अपने संदेह के पार नहीं जा पाया है, परंतु हमारी आस्था और धार्मिक परंपरा आज भी विज्ञान को लगातार चुनौती दे रही है कि ये धार्मिक कृत्य सिर्फ बाहरी आडंबर है या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत। महाकाल का ये नगर वैशाख के इस माह में स्वर्ग सा प्रतीत होता है। देवी देवताओं का धरती पे आगमन और मानव जाति के उद्धार के रूप में प्रसिद्ध ये सिंहस्थ सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए हम सब इस पर्व का हिस्सा बनें।